इंदौर नगर निगम में घोटाला पकड़े जाने के बाद अब भोपाल नगर निगम में भी 4 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला सामने आया है। निगम के अधिकारी कर्मचारियों ने जीवित श्रमिकों को मृत बताकर उनके नाम पर संबल योजना के अंतर्गत मिलने वाली अनुग्रह राशि डकार ली। भोपाल नगर निगम में जीवित व्यक्ति को मृत बताकर सहायता राशि लेने का मामला सामने आया है। निगम के अधिकारियों की मिली भगत से 2 करोड़ से ज्यादा सहायता राशि को गलत तरीके से वितरित कर दिया गया। घोटाला उजागर होने के बाद शासन को चूना लगाने वाले निगम के 17 कर्मचारियों के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने मामला दर्ज किया है। वहीं इस पूरे मामले पर महापौर मालती राय ने चुप्पी साध ली है। जब उनसे मीडिया ने घोटाले और गड़बड़ी को लेकर सवाल पूछा तो महापौर मैडम ने पल्ला झाड़ लिया और चुपचाप वहां से निकल गईं। जल झील के लिए बैठे हैं हम, शिकारे का आनंद लेने बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने घोटाले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मुकेश नायक ने कहा कि नगर निगम में जिंदा लोगों को मृत बताकर पैसे निकाले गए हैं, लेकिन भ्रष्ट कर्मचारियों ने मवेशियों तक को नहीं छोड़ा। मवेशी की मौत को करंट से मौत बताकर पैसे निकाले जाते हैं और आधा पैसा अधिकारी अपने पास रख लेते हैं। आप तो ये कह रहे हो नगर निगम का कि मरे हुए लोगों के नाम पर ये कर लिया। अरे नगर निगम का ये किस्सा सुनो, जो कुत्ता 2-2 साल पहले मर गए थे उनकी नसबंदी उन्होंने अभी करी है और उसके पैसे निकाले। कांग्रेस प्रवक्ता अमित शर्मा ने कहा कि नगर निगम में नेक्सस गिरोह काम कर रहा है। चाहे कर्मकांड का मामला हो या बिल्डिंग परमिशन की गणना हो, पहले भी इस तरह की शिकायत हो चुकी है, लेकिन अधिकारी जांच के नाम पर फाइल दबा देते हैं। इसमें पेंशन घोटाले की जांच भी होनी चाहिए। कई ऐसे जीवित व्यक्ति हैं जिन्हें नगर निगम के दस्तावेजों में मृत बता दिया गया होगा और बाद में उनकी राशि वार्ड और जोनल अधिकारी और तमाम अफसरों की मिली भगत से निकाल लिया होगा। ये एक नेक्सस गिरोह नगर निगम में काम करता है। चाहे वो कर्मकांड का मामला हो, संपत्ति कर के राजस्व की गणना हो, जल दर की गणना हो या बिल्डिंग परमिशन का मामला हो, इस तरह की लगातार घटनाएं पूर्व में भी कई बार, चाहे तत्कालीन महापौर कृष्णा गौर जी हो, तत्कालीन महापौर आलोक शर्मा जी हो या वर्तमान की महापौर, पहले भी कई गणना के लिए, इसकी जांच के लिए कई बार आम जनमानस ने इसकी शिकायत की है। मुझे समझ में नहीं आता अधिकारी इस मामले को पटाक्षेप कर एक जांच के नाम पर उसको लिंगर ऑन करते हैं और सारी चीजें फाइलों में दबा दी जाती हैं। लोकायुक्त के माध्यम से, किसी की शिकायत के माध्यम से प्रकरण उजागर हुआ है। न केवल ये 2 करोड़ का है बल्कि इसमें कई करोड़ का घोटाला निकलेगा और इसमें पेंशन घोटाले की भी जाँच नगर निगम के द्वारा होनी चाहिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।